कहलदास जी, स्वागत है आपका। हाँ बेटा नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हरियाल पठानकोट से बात कर रहा हूँ जी, हरियाल गांव। हकीम जी सर, आपका सवाल। साहब आपको भी सलामालेकुम। आदाब, जय हिंद, स्वागत है भाई। मैं जी आपका पुराना कस्टमर भी हूँ और आपका पुराना मरीज भी हूँ। आपकी दवाइयाँ लेता हूँ, दुनिया को देता हूँ, खुद भी खाता हूँ। जी, लेकिन मैं कल पहचान गया परसों, आपको। जी कल परसों से मेरे ना पाँव खिसक गया, कहीं मेरे राइट पाँव कुल्ले से लेके पैर तक दर्द बहुत ज्यादा। मैंने इंजेक्शन भी लगवा लिए, मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, किसी को दिखाया भी कोई फायदा नहीं हुआ। आप कोई ऐसा नुस्खा बताए मेरे को आज दर्द में आराम मिल जाए। ठीक है। गोंद चाहिए तो मैं खा ही रहा हूँ ऑलरेडी। अच्छा, देखिए, एक तो आपकी आवाज़ और अंदाज़ से लग रहा है आप दबंग आदमी हैं। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ से लगता है आप मजबूत आदमी हैं, दबंग आदमी हैं और कुछ भी वज़न वगैरह उठा लेते हैं और उम्र का लिहाज भी नहीं करते और नौजवानों की तरह जीते हैं। ऐसा मैं अंदाज़ा कर रहा हूँ। तो वज़न वगैरह ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें और गौंद स्याह आप ले रहे हैं उसके साथ आधा आधा चम्मच अलसी लें। ये अलसी को हल्का सा भून लें और उसका पाउडर बना लें, आधा आधा चम्मच गौंद स्याह के साथ लें और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें और सब्र करें। देखो, दर्द हो तो दर्द की दवा ले सकते हैं जब दर्द बर्दाश्त ना हो। ये दवा दर्द की नहीं है, ये तो हो सका तो और दर्द और बढ़ा सकती है 2-4 दिन के लिए। अभी एक साहब का फ़ोन आया था तो वो समझे नहीं थे कि दर्द बढ़ भी सकता है। दर्द बढ़ जाए तो दर्द की दवा साथ में ले, इसे छोड़े नहीं और 2-4 महीने इसे लेना चाहिए। अगर 1 महीने में फ़ायदा हो जाए तो 2-4 महीने इलाज करें और एहतियात वही है, वज़न नहीं उठाएं और महिलाओं से ख़ास तौर पर के झाड़ू पोछा नहीं करें और ये वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला शौचालय ज़रूरी है ऐसे मरीज़ के लिए। ये नस दब गई है, आप बिल्कुल भी अब कोई बहादुरी का काम ना करें, यानी वज़न उठाना या इन सब बातों को कुछ दिन के लिए रोक दें।